हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हमारे पास एक डीटीएच का कार्ड है। देखिए, ये डीटीएच का सेटअप बॉक्स है और इसका कार्ड है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये वीडियो इसकी ओके आ रही है लेकिन साउंड नहीं आ रही है। इस कार्ड में यही प्रॉब्लम है, इसकी साउंड नहीं आ रही है। दोनों साइड से इसकी साउंड बंद हो चुकी है। देखिए, चेक करा देता हूँ मैं आपको। देखिए, दोनों साइड से बंद है। तो आज की वीडियो में हम इसी कार्ड को रिपेयर करेंगे और इसका साउंड वापस लाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे वापस लाना है। इसको पहले निकाल लेते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने इसका कार्ड निकाल लिया है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको इसका साउंड कैसे वापस लाना है। देखिए, यहाँ पे एक इसकी साउंड वाली आईसी लगी हुई है। अगर आपको ये आईसी मिल जाती है तो इसका साउंड वापस आ जाएगा। ये आईसी आप चेंज कर देना। और अगर ये आईसी नहीं मिलती है तो देखिए, यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, छोटे वाले और एक बड़े वाला लगा हुआ है। यहाँ से हमें एक जम्पर लेना है, ये जो छोटे वाले कैपेसिटर है इधर से जम्पर लेना है और यहाँ पर टच करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहले हम इससे एक जम्पर ले लेते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ से एक जम्पर ले लिया है। देखिए गाइस, एक जम्पर मैंने यहाँ से ले लिया है। इस साइड आपको इसी साइड से लेना है, जिस साइड कैपेसिटर बड़े वाला कैपेसिटर लगा हुआ है इसी साइड से जम्पर लेना है और यहाँ पे टच करना है। और इसको टच करने से पहले गाइस, जो नीचे वाली वायर जा रही है इसको आपको काट लेना है। देखिए, मैं काट रहा हूँ इसको। ये देखिए, मैंने नीचे वाली वायर काट दिया है और अभी ये वाला जम्पर, जो ये वायर है, ये हमें यहाँ पे लगाना है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने ये वायर इसमें लगा लिया। देखिए, यहाँ से हमें एक जम्पर लिया है, यहाँ से कैपेसिटर थे और इस पर लगा लिया। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। तो देखिए गाइस, इसकी वॉल्यूम, इसके जो साउंड है वो हमारा वापस आ चुका है। देखिए, पहले इसके साउंड इसका बंद पड़ा था और अब वापस आ गया है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।